नमस्कार, आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थान के स्पेशल पेठे। ये पेठे आप कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हो, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पेठे बनाने के लिए हमने आधा किलो मैदा का यूज़ किया है। अब हम इसमें मोइन लगाएंगे, तो मोइन लगाने के लिए यहाँ पे मैंने देसी घी का यूज़ किया है। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन देसी घी का मोइन लगाने से पेठे हमारे बहुत ही टेस्टी बनते हैं खाने में। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसमें अच्छे से मोइन लगा लेना है। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा मोइन लग गया है। अब हम इसे मुट्ठी में बांध के देखेंगे तो आटा हमारा कितने अच्छे से बन रहा है। तो मोइन भी हमारा अच्छे से लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा आटा गूंथ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का गुनगुना गरम पानी का यूज़ किया है। ज़्यादा गरम पानी नहीं लिया है, बस हल्का हल्का गरम पानी लिया है, जिससे हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा लग के तैयार होगा। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा लग के हमारा तैयार हुआ है। तो इसे हमें अच्छे से और गूँथ लेंगे तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से लग गया है। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से ढक के छोड़ देंगे, जिससे आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमें इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट हो गए हैं आटे को भी अच्छे से सेट होते, तो आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे अच्छे से और मसल लेंगे। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा लग के हमारा तैयार हुआ है। अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा तोड़ के इसकी अच्छी से लोई बना लेंगे। तो लोई हमारी कितनी अच्छे से बन गई है। अब हमें इसको अच्छे से बेल लेना है। तो यहाँ पे चकले पे हमें ना घी का यूज़ किया है ना सूखे आटे का, ये ऐसे भी बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। तो हमें इसे रोटी को अच्छे से बेल लेना है। तो यहाँ पे रोटी को हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे हमें थोड़ी मोटी ही रखना है, जिससे हमारे पेठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी शेप में से काट सकते हो, जो शेप आपको पसंद हो उस शेप में आप पेठे बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें इसे चारों तरफ से थोड़े थोड़े से इसके किनारे काट देंगे और इसको अच्छे से काट लेंगे। तो यहाँ पे हमें सारे पेठे अच्छे से काट लेने हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से पेठे हमारे कट गए हैं। इन्हें अभी हम एक प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखिए कितने अच्छे पेठे बनके तैयार हुए हैं। अभी ये थोड़े पतले लग रहे हैं, जैसे हमें इनको फ्राई करेंगे वैसे ही अपने आप ये फूल जाएंगे। तो यहाँ पे पहले ही हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। आप यहाँ पे घी में भी इन्हें बना सकते हो, लेकिन तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। तो यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, सरसों के तेल का यूज़ नहीं करना है। या तो आप घी का यूज़ करो या रिफाइंड ऑयल का। तो तेल भी हमारा हल्का हल्का गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने इसमें थोड़े से पेठे डाल दिए हैं और इनको हमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारे पेठे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तब तक यहाँ पे हम चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा किलो चीनी का यूज़ किया है। जितनी हमने मैदा ली थी उतनी ही हमने यहाँ पे चीनी का यूज़ किया है, और चीनी का आधा यहाँ पे हमने पानी डाला है, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक हमारी चीनी पानी में अच्छे से घुल रही है, तब तक हम चेक कर लेंगे कि पेठे भी हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं या नहीं। तो देखिए कितने अच्छे से पेठे हमारे फ्राई हो गए हैं, ये अपने आप फूल के ऊपर आ गए हैं। अब इसे हमें थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लेंगे, जब तक हमारी चीनी भी अच्छे से पानी में घुल गई है। तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। अब हमें थोड़ी देर इसे चाशनी को और पका लेंगे। तो यहाँ पे हमें दो तार की चाशनी बनानी है। तो चाशनी भी हमारे अच्छे से पक रही है, तब तक हमें यहाँ पे पेठों को भी चेक कर लेंगे। तो पेठे भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बस हमें इनको इतना ही फ्राई करना है।
तो यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखा था, मीडियम गैस पे हमें पेठों को अच्छे से फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो पेठे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे पेठे तो हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हमें इनको एक प्लेट में निकाल देना है और इसी तरह हमें सारे पेठों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चाशनी में भी हमारा एक उबाल आ गया है, अब हमें चाशनी को अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे चाशनी को हम चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे एक कटोरी में थोड़ी सी हमें चाशनी डाल के इसको ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारी चाशनी और पक जाएगी, तो यहाँ पे एक तार की चाशनी हमारी बन रही है और इसके थोड़ी देर और हो गया है पकते हुए, तो चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है बन के। अब हमें इसमें सारे पेठे डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पे हमें 1 मिनट के लिए इनको और अच्छे से पका लेंगे चाशनी में। ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें और पका लेना है। तो 1 मिनट हो गए हैं पकते हुए चाशनी में पेठों को, तो बस हमें इतना ही इन्हें पकाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाना है। अब हमें इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमें गैस को बंद कर देना है और पेठों को हमें एक बर्तन में निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है, इसमें हम सारे पेठे निकाल लेंगे, चाशनी के साथ ही हमें सारे पेठे इस बर्तन में निकाल देना है और इसे बीच बीच में हमें चलाते रहेंगे। हल्के हल्के से ठंडे होंगे तभी हमें इनको अच्छे से मिक्स करते रहना है, जिससे हमारी चाशनी पेठों पे अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे चाशनी हमारी हल्की हल्की ठंडी हो रही है, तो हमें इनको अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो इन्हें पूरे अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, तब तक हमें इनको अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो पूरा इसमें 20 मिनट लगेंगे इसको ठंडा होने में, तो हमें इनको बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारी चाशनी पेठों पे लग गई है और ये हल्की हल्की पहले से ठंडी भी हो गई है। आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे पेठे बन गए हैं, अब हमें इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो आपको मैं एक पेठा तोड़ के दिखाती हूँ, तो ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे पेठे बनके तैयार हुए हैं। आप इन्हें 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।